आप लोग को मना कितना बार करते रहते हैं, मत आइए आप लोग आ जाते हैं, क्या बोलें। और बहुत दूर दूर से यूपी से भी यहाँ पहुँचा है बंदा, क्या जो भी औजार मिल रहा है उसमें त्रुटि रह रहा है, इस वजह से हम जब फील्ड में गए नाप कर चेक करने के लिए, अच्छा अच्छा, तो उसमें त्रुटि निकल गया। अब वहाँ पे बताइए मैप का त्रुटि देखा जाए कि औजार का त्रुटि देखा जाए। अच्छा। सस्पेंशन में हम हो गए, इसीलिए सोचे कि अब सर के पास से औजार लेंगे चेक करा कर। तो औजार आप कहाँ लिए थे? लिए थे वहीं आरा में मार्केट से। अच्छा, मार्केट में लिए थे ना, इसीलिए वो सब औजार भी लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, अंदर पहले चलिए बात कर लेते हैं। हम हमेशा जो है ना मना करते रहते हैं कि मत आइएगा, अब लास्ट में हम अपना डेरा में ही बुला लेते हैं इसको। हम इसे भी बताए थे कि यहाँ पर मेरा डेरा है। बैठिए बैठिए, यहाँ 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 बैठ जाइए ताकि वीडियो बन रहा है आवे। अच्छा, क्या 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 मैटर था? मैटर यही है, औजार में त्रुटि हो जा रहा है उधर से लेने पर। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सोचे कि सर के पास से। तो उतना दूर से जो आप आए उससे बेहतर था कि फोन पर बात कर लेते हैं, हमसे तो बात कभी हुई नहीं है आपसे। हाँ मैम बोल रही थी कि नहीं ऐसे वो मतलब जबरदस्ती आना चाह रहे हैं, तो बोले ठीक है आप आना चाह रहे हैं तो कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं जी। तो काफ़ी लोग जो है बिना कहे आ जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ वंदना नर्सिंग होम पास आ जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि सर मैम यहाँ पर पहुँच गए हैं से मिला दीजिए सर से, तो फिर लास्ट में मिल जाना पड़ता है, आप घुमा नहीं सकते हैं जी सर। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह, ठीक है, भोजपुर बिहार से आए हैं ना जी। जी सर, तब अब दो तीन लड़का यूपी से भी आया, कुछ पश्चिम बंगाल से भी आया, बिहार से तो ऐसे रहता है। और मेरे पास स्टूडेंट जो है ना लगभग 50% के आसपास बिहार से ही रहता है रियलिटी में, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उधर में रीजन है सर, उधर का जमीनी केस ज़्यादा होता है, इस बात जमीनी विवाद जो है बिहार में ज़्यादा है। सो ना, सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, और ये नापी में मेरा दिक्कत हो रहा है, इसलिए चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपसे कुछ और ये विशेष तरीके से बातचीत कर ले। अच्छा, एक बार परिचय इस माइक से थोड़ा बता दीजिए अपना। नाम नीरज कुमार सिंह, जिला भोजपुर, फ्रॉम बिहार। चलिए ठीक है, आने का मेन रीजन समझिए आपका जो है सो जब जमीन को नाप रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भिन्नता आ जा रही है ना जी, जी, और औजार को आप कहीं निजी बाजार में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में लिए होंगे ना जी, तो औजार में कुछ त्रुटि है। आपके बताने के अनुसार जब मैं उसको सेटिस्फाइड किया तो औजार में भी त्रुटि निकला। तो औजार यहाँ पर लेकर आए हैं? जी सर, लेकर आए हैं। तो यहीं सोचे कि सर के पास चल के उस औजार को सबको दिखा कर ताकि उससे हम 100% संतुष्ट हो जाए, तब थोड़ा नक्शा पे डाउट करेंगे, तब ना जमीन का डाउट क्लियर करेंगे। अब जब औजार में डाउट रहेगा, थोड़ा सा नक्शा में डाउट रहेगा, जमीन में डाउट रहेगा, कैसे नापी करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, और रह गई बात कि समय के साथ भी बहुत कुछ सीखा जाता है, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग मतलब कब लिए हुए हैं? आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ट्रेनिंग का तो समय नवंबर में आप दिए थे, लेकिन अब बोल। अच्छा, आप कोर्स यहीं पर कर रहे हैं ना? जी जी, ऑनलाइन क्लास किए हैं। अच्छा अच्छा, 3 मंथ वाला ही जो अगस्त से था ना, तो नवंबर में ट्रेनिंग का डेट दिए थे, लेकिन अब तो उसको फरवरी में कर दिए। एक्सटेंड करने का कारण है ना कि बात यह है कि नवंबर में बहुत लोग आना भी नहीं चाह रहा था, ठंड का भी दिन था, ठीक है, धीरे सोचे कि नहीं फरवरी लास्ट में कर देंगे या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में, जो भी सुटेबल होगा उसी समय, क्योंकि उस समय जो है हमको अरेंज करने में सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि 6 मंथ, 1 ईयर और साथ में 3 मंथ, ये तीनों आएगा और बेहतर तरीका से होगा। और ये 3 मंथ कर लेंगे इसमें अकबकाहट हो जाता, ठीक है, इसलिए सोचे कि वही बेहतर रहेगा और आप लोग के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए जो है ना, दोनों के लिए बेहतर होता। ये नक्शा है सर। अच्छा, ये नक्शा है और ये स्केल है। इस गुनिया कड़ी गुनिया जो है ना, इसमें हमको त्रुटि लग रहा है, कड़ी गुनिया में उसमें है। अच्छा अच्छा, जैसे इसको फीता पे नापने पर भी 2 इंच से ज्यादा हो जा रहा है कुछ। नहीं, फीता से तो नापना ही नहीं है, फीता से गुनिया को चेक करना ही नहीं। अच्छा ये, अच्छा हाँ फिट गुनिया है, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला फिट गुनिया आपका, ये वाला जो है इधर वाला फिट गुनिया है, ये कड़ी गुनिया है। ये कड़ी गुनिया आपका दोनों दिया है इसमें, ये 10-10 कड़ी का है और इधर फिट वाला है। फिट वाला है, चलिए ठीक है। तो पहले इसको हम कंपेरिजन करके देखते हैं।
10 कड़ी का डिफरेंस है ना सर। अगर पूरा 10 जरीब लेते हैं तब जा करके जो है 10 कड़ी का डिफरेंस आता है। हाँ तो उतना ही का डिफरेंट है, तो 10 कड़ी से उतना आपके नापी में प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 10 जरीब नापेंगे तब जा करके जो है 10 कड़ी का फर्क है, मतलब कि एक जरीब का अगर आप नापी कर रहे हैं तो एक कड़ी का फर्क। तो सर हम लोग के तरफ छोटा छोटा प्लॉट नहीं है, बड़ा बड़ा प्लॉट है। हाँ वो तो उसी में ना 5-5 कट्ठा का अंतर आ जा रहा है। मान लीजिए 10 बीघा का प्लॉट है, उसको निकाल नक्शा कहाँ है, नक्शा कहाँ है, 5-5 कट्ठा का उतना अंतर नहीं आएगा। वो नक्शा का आप डायगोनल स्केल सब चेक करके देखे हैं? नक्शा का डायगोनल स्केल तो अभी नहीं खरीदे हैं सर। नक्शा का डायगोनल स्केल ये है, खरीदना नहीं है, इसी में प्रिंटेड आता है। अच्छा तो उससे चेक कैसे करें? अब इससे जब चेक करेंगे यही जब एग्जैक्ट नहीं है तो कैसे चेक करें? यही ना छोड़िए, उसको छोड़िए, उसको हटाइए ना। आप बाजार से मंगाएं और रह गई बात की फिट गुनिया और कड़ी वाला, दोनों अगर साथ में है तो भाई भिन्नता रहेगी, मिस्टेक रहेगा। ठीक है, लीजिए तो एकदम सिंगल कड़ी वाला होना चाहिए या फिर फिट वाला होना चाहिए या फिर मीटर वाला होना चाहिए, वो बेहतर रहता है। जैसे ये वाला है, कड़ी वाला है केवल इसमें। ठीक है, एक और है मीटर वाला निकालेंगे तो वैसा वाला लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है या फिर लेकर आए हैं जी। यहाँ पर 10 जरीब में जो है नक्शा जो है ना आपका थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है। कॉम्प्रेस्ड कहने का मतलब ठीक है, 5 कड़ी का अंतर हो सकता है सर कि 15 कड़ी इसमें हो, कहे कि 15 कड़ी हमको लग रहा है कि ज्यादा। इस गुनिया में कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये गुनिया अपने जगह पर सब सही है। ठीक है, ये गुनिया ठीक है। आपका नक्शा थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है। कॉम्प्रेस्ड करने का मतलब जो है ना बड़ा हुआ है, नक्शा थोड़ा दब गया है, छोटा हो गया, छोटा हो गया है। ठीक है, पैमाना कितना है, 16 इंच बराबर 1 मील। रखिए रखिए, तो पकड़िए, तो देखिए एकदम अंधाधुंध। कहाँ पर प्रिंट से निकाले हैं जी? ये तो ऐसी भी ख़राब लग रहा है, जीरोक्स है। तब जीरोक्स से तो गलत आएगा 100%। जीरोक्स से आप नापी कर रहे हैं? नहीं, ओरिजिनल से भी नापी कर रहे हैं। ना ये तो नक्शा है, इसको ले लिया है जिससे कि मोड़ने में आसानी होगा। वही ना, हम देख लिए ये सब जो है ना, ये सब आप कर रहे हैं तो भिन्नता आएगी। जो ऑनलाइन जो निकलता है ना रियल में पैमाना के आधार पर, गुलजार बाग से नक्शा ले गए हैं, बहुत 10 नक्शा है मेरे पास। हाँ, इसको तो आसानी से लाने के लिए हम ही ले लिए। ठीक है, फोटोकॉपी से कभी भी जो है सो शुद्ध नहीं हो सकता है, ये तो रियल बात। लेकिन सर वो सूत्र पर बैठा कर सकते हैं ना? हाँ, सूत्र पर जितना ही कंप्रेस्ड है उसको उतना बढ़ा कर, मान लीजिए 95 कड़ी का है तो उसको 95/2 कर देंगे। 95 ने पूरा जो है ना, ये 10 जरीब को नाप लीजिए, जितना 990 ठहरा तो 990/1000 कर दीजिएगा और जितना लंबाई आएगा उससे आप गुना कर दीजिए, वही आपका एक्चुअल में लंबाई हो जाएगा। तो सर ये कहीं कहीं के पे ये हो रहा है कि इसका पैमाना कुछ और हो जा रहा है, ये दो का कुछ और है। एवरेज निकालिए, एवरेज निकालिए फिर। तो टोटल का एवरेज निकालेंगे इसे सबका? नहीं, मतलब कि जैसे कि अब इधर वाला हमको नापी करना है, ये वाला प्लॉट का। ठीक है जी जी, तो हमको इधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर वाला जो दहला है उसको लीजिएगा और इधर वाला है जो, हाँ हाँ हम नाप रहे हैं तो हम खुद नर्वसा जा रहे हैं कि इतना इधर उधर कैसे हो गया भाई, इतना कैसे वो दे रहा है। तो हमको ये लगा कहीं हम तो कमज़ोर नहीं ना है, सर से एक बार मिल लेते हैं। अब बात ये ना कि यहाँ पर मिलने के लिए आए वो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है हम 10-12 घंटा तो आपको समय दे नहीं सकते हैं, लगातार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमको और भी काम है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक को समय देने के चक्कर में यहाँ पर 100 का नुकसान है, तो उससे अच्छा कि 100 का भरपाई किया जाए और एक को छोड़ा जाए, है कि नहीं? हाँ ये है सर, सभी को लेकर चल रहा है। हाँ, आपके पास बात ये है दोस्तों कि भोजपुर इनको जाना है और चूंकि हजारीबाग ये आए हुए हैं तो यहाँ से पहले जाएंगे ये कोडरमा स्टेशन,
फिर कोडरमा स्टेशन से वहाँ पर ट्रेन पकड़ेंगे, यहाँ से बस से जाएंगे कोडरमा, हजारीबाग से कोडरमा, और वहाँ से बस, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ेंगे कोडरमा से गया के लिए ना जी सर। फिर गया में जब आप उतरिएगा तो फिर क्या कीजिएगा? वहाँ से पटना का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, पटना का ट्रेन, तो पटना का ट्रेन को पकड़िएगा आप, कोडरमा से ही पटना का डायरेक्ट मिल जाता है, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं। गया में थोड़ा जरूरी है, वहाँ पे जाना है। अच्छा, कहीं काम है ना? दीदी का घर है वहाँ पे, कुछ देर के लिए रह लेंगे। अच्छा, कुछ देर रह लीजिएगा, चलिए ठीक है, तक निकलेंगे वहाँ से। हाँ, तो फिर पटना जाइएगा, फिर पटना से कितना दूर है आपका घर? पटना से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ जाएगा। ओह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पटना के आसपास है, तो यहाँ से पटना पहुँचना इजी बात है, और वहाँ से चले जाए ना कोई दिक्कत नहीं, बस केवल थोड़ा सा खर्च है, वो सब कोई बड़ी बात है नहीं का, अमीन के फील्ड में का। एक बार नाफी करने भी जाइएगा तो सब वसूल हो जाएगा। 2000 रुपया हम लोग के एरिया में चल रहा है, 2000 रुपया 2000 ना जी सर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कुछ था जिसे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आया करते हैं, लेकिन कोई विशेष चीज़ यहाँ से मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर संभव हो सके तो ना आवे तो बेहतर होगा, ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो, किसी तरह का ये हो, तो फिर फ़ोन से बात कर लीजिएगा। आपको पता है हेल्पलाइन नंबर मेरा 777-99-80708 है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो फिर मैम को बोलिए कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको बात करवाइए सर से, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा ऐसा मैटर है। लेकिन हाँ, आप कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे तभी बात हो सकता है, कोर्स के, हमारे कोर्स के साथ अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो बात नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हज़ारों कॉल, सैकड़ों कॉल जो हैं आते रहते हैं, तो ऐसे में मैनेज करना, हम बातें करते रह जाएंगे और फिर सारा काम हो नहीं पाएगा, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ना आइए तो बेहतर होगा, फ़ोन पर बात कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से मामला सुलझता नहीं है, आप कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर मेरे से आप बात कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी हो तब, अंदाजी नहीं, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।